नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सहायता पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के विषय में। साथियों, 1 अप्रैल से पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल पोर्टल पर बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। दोस्तों, भारत के जितने भी लाभार्थी है जिन्हें 2023-24 के अंतर्गत आवास मिलने वाली है, ऐसे लाभार्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि दोस्तों राज्यों को भारत सरकार द्वारा जो फंड है वो रिलीज कर दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को काफी पिछले वीडियोस में बताया था कि भारत सरकार द्वारा 2023-24 के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 75 लाख से 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, और उसी के तहत दोस्तों 1 अप्रैल से लाभार्थियों का पंजीकरण से लेकर हाउस सेंसन तक की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। और दोस्तों, जिसको लेकर जो सारी तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई थी, राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, और दोस्तों जो मॉड टारगेट है दोस्तों उसे भी फिक्स कर ली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों को कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोज हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, यहां पर हम लोग फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आएंगे, और दोस्तों यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सिंपली साथियों, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही साथियों इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो डेटाबेस है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, जिसमें सभी राज्यों के पास जो अभी फंड अवेलेबल है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जो फिगर्स है वो लाख में है, तो ये दोस्तों यहाँ पर जितने भी संख्या दी गई है सभी लाख में है। अगर दोस्तों ऊपर से आप अरुणाचल प्रदेश से, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद दोस्तों अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, और उसके बाद दोस्तों इधर आप लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। यहाँ पर दोस्तों जो राज्यों की सूची मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें से तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो रेड इंडिकेशन की जा रही है, इसका आधार पर यहाँ पर कुछ चीज लिखी गई है डेटा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ऑफिशियल रिकॉन्सिलिएशन एक्सरसाइज नॉट परफॉर्म्ड येट, यानी कि दोस्तों ये जो 3 स्टेट है इसमें अभी जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाकी सभी राज्यों के अंतर्गत जो डेटा है वो अपडेट हो चुकी है, कितने राज्यों में कितने रुपए जो है भारत सरकार द्वारा पैसे दिए गए हैं 2023-24 के अंतर्गत लाभार्थियों को, रजिस्ट्रेशन से लेकर दोस्तों हाउस सेंसन करने तक के लिए जो प्रोसेस है उसे करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी 2023-24 के अंतर्गत अपना पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपका नाम सूची में है, आपको 2023-24 के तहत आवास मिलने वाले हैं, तो दोस्तों जल्द ही आप सभी को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा और आपके खाते में पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की जो राशि है वो क्रेडिट कर दी जाएगी। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।